ये वीडियो हमारे इस चैनल की आखिरी वीडियो है क्योंकि इसके बाद मैं इस चैनल को कंटिन्यू नहीं करूंगा। हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द बॉयज सीजन 2 की, जो कि हो चुका है रिलीज। फिलहाल सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज हुए, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट हमेशा की तरह 1 घंटे के हैं और बाकी के एपिसोड्स आपको हर फ्राइडे देखने को मिल जाएंगे। खैर, सीजन 2 की कहानी एग्जैक्ट सीजन 1 के बाद की है, लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा। हाइब्रिड हैकर ये एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो यार, मैंने तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर आप लोग भी चाहते हो तो जरूर इस चैनल पर विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको भी मेरी तरह सपोर्ट करना। और ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, अगर आप लोग भी चाहते हो आपके चैनल में प्रमोट करूं, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे आपके चैनल के बारे में बताओ और मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपके चैनल को प्रमोट करने की। खैर, बात करेंगे सीजन 2 की, जिसकी शुरुआत होती है बिली बॉचर से, जिसके ऊपर मर्डर का इल्जाम है मेडलिन का। साथ साथ बिली बॉचर को अपनी फैमिली की भी तलाश है। उसके अलावा बॉयज की टीम अभी अंडरग्राउंड हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से सूप यानी कि सुपर हीरोज को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने। इसके अलावा डीप को दोबारा से 7 में शामिल होना है और साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हुई है। लेकिन उसके अलावा मैं और भी क्या कुछ देखने को मिला, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको बॉयज सीजन 2 देखना पड़ेगा। बात करेंगे इस सीरीज के कॉन्सेप्ट की, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक ऐसे सुपर हीरोज का शो है जो आपको इससे पहले कहीं और देखने को नहीं मिला था और ना ही कभी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सुपर हीरोज के बारे में नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो आपकी सोच पूरी सुपर हीरोज के लिए बदल के रख देगी। लेकिन हाँ, ये शो टिपिकली सुपर हीरोज को बदनाम करने के लिए भी नहीं बनाया गया, कुछ अच्छे भी सुपर हीरोज है जो आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इस सीरीज में जिस तरीके से आपको वॉयलेंस या आपके ब्लड शेड देखने को मिला था, वो आज से पहले किसी भी सुपर हीरो फ्रेंचाइज में आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला था। हालांकि डेडपूल मूवीज में देखने को मिलता है, लेकिन वो भी एक लिमिट होती है। लेकिन यहाँ पर ये मोस्टली एडल्ट के लिए बनाया गया शो था, इसलिए यहाँ पर जिस अमाउंट में वो सारा वॉयलेंस वो सारी चीजें बताती है ना, वो मतलब पूरे रोंगटे खड़े कर देती है। और सीजन 2 में भी बिल्कुल उसी तरीके के वॉयलेंस के सीन्स है। इवन मैं आपको इतना कह दूं कि भाई सीजन 1 से कई ज्यादा वॉयलेंस आपको सीजन 2 में देखने को मिलता है। और पहले एपिसोड से लेकर तीसरे एपिसोड तक आपको भर भर के ऐसे वॉयलेंस के सीन और साथ साथ कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और मैं तो ये सोच रहा था कि यार, ये लोग ने अभी 3 एपिसोड में इतनी सारी चीजें बता दी, इतनी सारी चीजें रिवील कर दी, और आगे के एपिसोड में ये लोग हमें बताएंगे क्या। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी जो एक्साइटमेंट जो है ना, वो मैं आपको सामने बता भी नहीं सकता। उसके अलावा अगर बात करेंगे शो के कैरेक्टर्स की, तो भाई सीजन 1 में भी हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिल गए थे जिनको बहुत ही अच्छी तरह से शो में डेवलप किया था। तो वैसे ही सीजन 2 में भी आपको उन कैरेक्टर के बारे में और भी डीपली चीजें मालूम पड़ती, और साथ साथ जो नए कैरेक्टर यहाँ पर बताए गए ना, यार स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा लेकिन सच बता रहा हूँ, एकदम फाड़ू है। उसके अलावा मैं आपको इस शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूं, तो यार फिलहाल तो सिर्फ 3 ही एपिसोड है, लेकिन तीनों एपिसोड में हर एक एक्टर का काम बहुत ही ढांसू है। और ये सीरीज एक मस्ट वॉच है उन लोगों के लिए जिन लोग सुपर हीरोज की मूवीज देखना पसंद करते हैं, या वो लोग जिनको द बॉयज सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैं डिसअपॉइंट भी हुआ कि यार सिर्फ 3 एपिसोड की रिलीज की। लोग चाहते तो यार पूरी सीरीज भी एक साथ रिलीज करते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये एक पर्टिकुलर ऐसी सीरीज है जो आप 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी बैठ के देखोगे तो आप कहीं से भी बोर होते नहीं हो। तो बस यार, इस वीडियो में इतने, आने वाले हफ्ते में जब सीरीज के और एपिसोड आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका भी रिव्यू करने की। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं, तो भाई ये शो फैमिली और बच्चों के लिए बिल्कुल ना था ना है और ना ही रहेगा। हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये चैनल का मेरा आखिरी वीडियो है, तो ये आप लोग की गलत फहमी है। इस चैनल पे तो अभी मेरी सिर्फ शुरुआत हुई है, मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा इस चैनल को। मुझे पता कि आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हो, आगे भी चल के आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको सीरीज देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दिल दुआ में याद रखना।